क्वेश्चन नंबर 6 एसएससी पार्ट 2 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 15 टुडे आवर टॉपिक इज ऑस्मोरेगुलेशन इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। आज हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के अंदर ऑस्मोरेगुलेशन को स्टडी करेंगे। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हमारे पास ऐसे एनिमल्स हैं जो कि ड्राई कंडीशन में रहते हैं, ड्राई कंडीशंस में सर्वाइव करते हैं, डेजर्ट वगैरह में। ऐसे एनिमल्स को हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहते हैं, ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि जो ऑस्मोरेगुलेशन का प्रोसेस है, ऑस्मोरेगुलेशन इज अ प्रोसेस इन विच एनिमल्स मेंटेन देयर साल्ट एंड वाटर इन साइड देयर बॉडी। अपनी बॉडी के अंदर साल्ट और वाटर की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखने का जो प्रोसेस है, उसे हम ऑस्मोरेगुलेशन कहते हैं। तो आज हमें देखना है कि एनिमल्स जो हैं वो ऑस्मोरेगुलेशन यानी कि किस तरह से अपनी बॉडी के अंदर वाटर और साल्ट की कंसंट्रेशन को, फ्लूइड की कंसंट्रेशन को बैलेंस्ड रखते हैं, मेंटेन रखते हैं। कौन से एनिमल्स? टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो कि डेजर्ट वगैरह ड्राई कंडीशन में सर्वाइव करने वाले एनिमल्स होते हैं, या ऐसे एनिमल्स जिनका जो हैबिटेट है वो ड्राई। नेक्स्ट स्टेप, सबसे पहले हम देखते हैं कि ऐसे एनिमल्स को जो कि ड्राई कंडीशंस में रहते हैं, इनको प्रॉब्लम क्या फेस करना पड़ता है। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इनको किन मसाइल्स का सामना करना पड़ता है, क्या मसाइल होते हैं जो कि इनको फेस करने पड़ते हैं। देन फिर हम देखेंगे कि किस तरह से ये अडॉप्टेशन करते हैं उन प्रॉब्लम्स को क्या करने के लिए, ओवरकम करने के लिए। तो प्रॉब्लम क्या होती है ऐसे एनिमल्स के साथ कि इनको वाटर की जो अवेलेबिलिटी है, पानी की जो दस्तयाबी है, वो कम होती है। पानी क्यों कम होगा? क्योंकि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, ऐसे इन्वायरमेंट में है जो ड्राई है, ड्राई कंडीशन है, डेजर्ट वगैरह में, तो पानी कम होगा और पानी का इखराज भी ज़्यादा हो रहा होगा। तो पानी की डेफिशिएंसी इनकी बॉडी के अंदर जो है इनकी मेजर प्रॉब्लम होती है। अब इसको ओवरकम करने के लिए, बॉडी के अंदर ऑस्मोरेगुलेशन मेंटेन करने के लिए, ऑस्मोरेगुलेशन करने के लिए, साल्ट और वाटर की कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए जो अडॉप्टेशन है उनको स्टडी करते हैं कि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स किस तरह से अपनी बॉडी के अंदर ऑस्मोरेगुलेशन करते हैं। तो अडॉप्टेशन में डिफरेंट तरह की अडॉप्टेशन बेसिकली होती क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंजेस, ठीक है, जो कि इन्वायरमेंट के मुताबिक बॉडी के अंदर आए, बॉडी को इन्वायरमेंट के अंदर सर्वाइवल उसका पॉसिबल करने के लिए, इसको सर्वाइव करवाने के लिए। तो डिफरेंट हमारे पास अडॉप्टेशन है, कुछ स्ट्रक्चरल है, मेटाबॉलिक, फिजियोलॉजिकल, बिहेवियर से रिलेटेड, न्यूट्रिशनल, नरिशमेंट से रिलेटेड वन, एंड हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। तो इसको हम वन बाय वन जो है स्टडी करेंगे। स्ट्रक्चरल अडॉप्टेशन में क्या आ जाता है कि इनके स्ट्रक्चर ही इस तरह से होते हैं कि ये पानी के लॉस को कम से कम जो है वो करें। वो कैसे हो सकता है? अब स्ट्रक्चर में हमारे पास आ जाता है कि इनका जो एक्सोस्केलेटन है वो वैक्सी होता है, ठीक है, और क्या होता है? थिक होता है। वैक्सी एक्सोस्केलेटन इनको हेल्प करता है कि वाटर जो है इनकी बॉडी में से मिनिमम रिमूव करे, पानी को कंजर्व कर ले अपनी बॉडी के अंदर, सेव कर ले। इसी तरह इनकी जो स्किन है वो डेड कैरेटिनाइज्ड सेल से मिलकर बनी होती है, ऐसी लेयर्स होती हैं जो डेड कैरेटिनाइज्ड होती हैं वाटर लॉस से बचाने के लिए। इनको ये इनकी स्ट्रक्चर के अंदर अडॉप्टेशन होती है कि इनका एक्सोस्केलेटन कहते हैं, बाहर वाला जो स्केलेटन होता है वो वैक्सी होता है, ताकि इनकी बॉडी के अंदर से पानी का जो इखराज है, वाटर की मिशन है, वो कम से कम हो। क्योंकि इनको पहले ही क्या प्रॉब्लम है? वाटर जो है इनकी बॉडी के अंदर लो है, तो वाटर को इन्होंने सेव करना है। नंबर टू क्या आ जाता है? मेटाबोलिक। अब मेटाबोलिक क्या होता है? हमारे बॉडी के अंदर, एनिमल्स की बॉडी के अंदर जो रिएक्शन हो रहे होते हैं वो भी कुछ इस तरह से होते हैं कि वाटर क्या हो, इनको इसकी ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी के अंदर प्रोडक्शन हो जाए और पानी जो है वो उसकी कमी को फुलफिल किया जा सके। अब वो किस तरह से पॉसिबल होगा? ये इस तरह की खुराक लेते हैं जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं उसकी भी टू काइंड्स जो हैं वो ज़्यादा होती हैं, लाइक मोनोसैकेराइड और डाईसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो ज़्यादा इनटेक करते हैं। अब इनका क्या फ़ायदा है? जैसा कि हमने केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कि जब मोनोसैकेराइड्स के यूनिट मिलकर डाईसैकेराइड बनाते हैं तो वाटर जो है वो रिलीज होता है, क्या वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। तो वाटर मॉलिक्यूल बॉडी के अंदर ही रिलीज होगा। किस तरह से बनेगा पानी जो है वो? कार्बोहाइड्रेट जो इनटेक कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट की जब मेटाबॉलिक उसकी एक्टिविटी होगी, मेटाबॉलिज्म परफॉर्म करेगा, तो वो वाटर जो है उसको प्रोड्यूस करेगा विद इन बॉडी, ठीक है। तो इस तरह से ये मोनोसैकेराइड और डाईसैकेराइड को जो है वो इनटेक करते हैं, स्वीट जो है वो फूड लेते हैं, ताकि इनके अंदर भी पानी जो है वो उसकी प्रोडक्शन हो सके, ताकि पानी की कमी को पूरा किया जा सके। इस तरह नंबर थ्री पे आ जाता है फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल कहते हैं
फंक्शन से रिलेटेड, इनके अंदर फंक्शन ही इस तरह के होते हैं कि पानी की कमी को पूरा कर लें। अब इनकी जो किडनी है वो क्या करती है, एज वी नो डैट कि किडनी का जो एक अमल है, एक फंक्शन है, वो ये भी है कि रीअब्सॉर्प्शन करवाती है। अब इनकी बॉडी के अंदर जो किडनी है वो रीअब्सॉर्ब करेगी वाटर को, यानी वाटर को रीअब्सॉर्ब कर लेगी, जब फिल्ट्रेशन हो रही होगी तो पानी को रीअब्सॉर्ब करके बॉडी के अंदर सेव कर लेगी, ठीक है। तो ये इनकी क्या है, फंक्शन के अंदर अडॉप्टेशन है। इनकी बॉडी का फंक्शन ही इस तरह का होता है कि वाटर के लॉस को कम करें और वाटर को सेव ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि पानी की क्या है किल्लत है, उसको फुलफिल करने के लिए इनको क्या चाहिए, पानी या बॉडी के अंदर ही हो, ठीक है। और या तो है ज़्यादा से ज़्यादा पानी इनटेक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा पानी इनटेक तो ये कर नहीं सकते क्योंकि ड्राई कंडीशन में है। तो इनकी फिर क्या अडॉप्टेशन होती है, इनकी कोशिश ये होती है कि ये पानी को जो है सेव कर लें बॉडी के अंदर। तो नेक्स्ट है हमारे पास बिहेवियर से रिलेटेड। अब इनका बिहेवियर भी कुछ ऐसा होता है कि ये इन्वायरमेंट के अंदर, ड्राई इन्वायरमेंट के अंदर, अपनी बॉडी के अंदर वाटर को मेंटेन रख लेते हैं। लाइक नोक्टोमल बेसिकली कहते हैं कि कुछ एनिमल्स हमारे पास ऐसे होते हैं कि वो डे टाइम पे जो है बाहर नहीं निकलते अपने बिल वगैरह, ठीक है। वो डे टाइम में अवॉइड करते हैं इन्वायरमेंट को फेस करते हैं। डे टाइम में पता है इन्वायरमेंट क्या होता है, हॉट होता है डेजर्ट वगैरह में, ड्राई कंडीशन में, और डिहाइड्रेशन क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। तो एनिमल्स जो है वो नाइट टाइम में खुद को जो है इन्वायरमेंट के अंदर लेके जाते हैं ताकि डिहाइड्रेशन उनको फेस ना करनी पड़े। ये इनका बिहेवियर होता है कि ये डे टाइम में कम से कम जो है वो बाहर निकलते हैं, इन्वायरमेंट के अंदर आते हैं ताकि इनको डिहाइड्रेशन ना हो जाए, पानी डिहाइड्रेशन का मतलब है पानी की कमी ना हो जाए, ठीक है। तो ये इनका बिहेवियर इस तरह का होता है कि ये ड्राई कंडीशन के अंदर सर्वाइव कर लें। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन से रिलेटेड, इनकी जो नरिशमेंट है वो भी इस तरह से होती है कि इनके अंदर जो वाटर है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस हो, सेव हो, उसकी जो कमी है उसको फुलफिल करें। जिसमें क्या होता है नरिशमेंट में कि जो ये फूड इनटेक करते हैं वो मॉइस्ट होता है, लाइक सीड्स वगैरह लेंगे, जैसे हमने इसमें कहा मेटाबॉलिक के अंदर कि ये कार्बोहाइड्रेट्स की मेटाबॉलिज्म के नतीजे में पानी पैदा होगा। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो इनकी नरिशमेंट के अंदर जब ये न्यूट्रिएंट्स इनटेक करते हैं, ऐसा फूड लेते हैं जो कि मॉइस्ट होता है और कार्बोहाइड्रेटेड होता है, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट जो है वो ज़्यादा हो, लाइक सीड्स वगैरह। और ये अडॉप्टेशन लाइक कैंगरू रैट की एग्जाम्पल आपके बुक में दी गई है, जैसे डेजर्ट वगैरह में एनिमल होता है कैंगरू रैट, उसके अंदर जो है वो क्या अडॉप्टेशन होती है, तो फूड जो है सीड्स वगैरह होता है। अब सीड्स वगैरह इनटेक करने से सीड्स जो है कार्बोहाइड्रेटेड होते हैं, कार्बोहाइड्रेट रिच होते हैं, तो वाटर जो है उसकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिकली प्रोड्यूस होता है। तो पानी की कमी को पूरा करने के लिए क्या होगी, अडॉप्टेशन। इसीलिए सबसे हमारे पास एंड पे आ जाता है नेक्स्ट एंड हाइड्रोबायोसिस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, सम टाइम एमसीक्यूज में भी पूछ लिया जाता है। ये हमने अभी तक जितनी भी पढ़ी ये क्या थी, अडॉप्टेशन थी, और जो आप स्टडी कर रहे हैं ये भी क्या है, अडॉप्टेशन है। एंड हाइड्रोबायोसिस का मतलब होता है पानी की कमी को टॉलरेट करना, वाटर की कमी को टॉलरेट करने के लिए, बर्दाश्त करने के लिए जो अडॉप्टेशन होती हैं ये सारी, ठीक है, उसको हम एनहाइड्रोबायोसिस का नेम देते हैं। व्हाट इज एनहाइड्रोबायोसिस, टॉलरेंस अगेंस्ट डिहाइड्रेशन वाटर लॉस, ठीक है। डिहाइड्रेशन किसे कहते हैं, वाटर लॉस, पानी की कमी को, लॉस को टॉलरेट करने के लिए जो अडॉप्टेशन की जाती है, दीज आर नोन एज एनहाइड्रोबायोसिस, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ अडॉप्टेशंस थी जो कि एनिमल्स करते हैं, क्यों करते हैं, ऐसे एनिमल्स जो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के अंदर होते हैं, डेजर्ट वगैरह में, ड्राई कंडीशन में आप सकते हैं होते हैं, उनके अंदर पानी की कमी को पूरा करने के लिए जो अडॉप्टेशंस होती हैं वो ये थी। हमारे पास कुछ स्ट्रक्चरल है, मेटाबॉलिक है, और कुछ हमारे पास फंक्शन से रिलेटेड, बिहेवियर से रिलेटेड, न्यूट्रिशन से रिलेटेड है। ऑक्सो के आपको एक टॉपिक जो है वो क्लियर हो।